नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है, सरकार की तोप व बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए, वर्दी पहनकर अभिमान नहीं विनम्रता आनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्मस्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता, अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ढीठ बन जाता है और पुनः सुधरने की बजाय निंदक ही निंदा करने लगता है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।